ने देखा कि हम रनिंग करके रनिंग करने के बाद हम जिम में जिम चले गए वहाँ पे जिम वगैरह करके और अभी हम जा रहे हैं आई लव फैसलाबाद लिखा हुआ बहुत खूबसूरत सा इधर चिनाब पार्क में वो हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे छोटी छोटी सी वीडियो बनाएंगे वो आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई लव फैसलाबाद अभी यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक किया है दो एक दो वीडियो बनाई हैं और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं जिम एरिया में क्योंकि हमारा एक साथी वहाँ पे जिम कर रहा है जिम करने के बाद फिर हम चलते हैं घर और आपको फिर वहीं का सीन दिखाते हैं सो अभी हम बाहर निकल चुके हैं ये साथी पार्क है कंपनी पार्क और आगे जा रहे हैं दोनों लोग और मैं पीछे हूँ वो दोनों जा रहे हैं तो गाइस हम वॉक वगैरह करके आ गए हैं आप देख रहे हो कि मैंने मुंह पे मास्क वाला है क्योंकि मैंने क्लीन शेव करवा लिया है बाल वगैरह कटवा लिए हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है ना तो मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं 12 बजे चले गया था कटिंग करवाने कटिंग करवा के आऊँ मैंने क्लीन शेव करवाई है अभी मेरा दिल नहीं कर रहा क्योंकि मैं अच्छा नहीं लग रहा क्लीन शेव में सो अभी ऐसे ही देख लो बस मास्क पहन के मैं वीडियो बनाऊंगा अभी टाइम हो रहा है 1:05 और मम्मा अंदर बर्गर वगैरह बना रहे हैं वो आपको थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ कि जून का महीना चल रहा है गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इसीलिए मैंने बाल कटवा लिए हैं क्योंकि गर्मी वगैरह लगती थी इसलिए पसीना आता था बालों में अजीब सा फील होता था और सुबह सुबह जब हम वॉक वगैरह करने जाते तो पसीना आता था तो अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैंने बाल वगैरह कटवा लिए और उसके बाद मैंने क्लीन शेव करवाई है वो भी मैं आपको जब थोड़े थोड़े बाल आ जाएंगे तब दिखाऊँगा अभी नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा सो लेट्स गो अभी बाय चलते हैं और आपको दिखाते हैं सीन दुआ में जरूर याद रखिएगा कि सपोर्ट एंड कीप लविंग गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स ओके।